वैसे है मैं मुदरी रुपए। वेल गौरी, आज कैसा लग रहा है? बिग बॉस के घर के बाद पूरी की पूरी जर्नी चेंज हो जाती है। आज जब वो बिग बॉस वाला गाना याद आया है। नहीं वैसे मजा बहुत आता था, मैं बिग बॉस के वासी। कुछ चीजें मिस करते हैं जैसे बिग बॉस की आवाज है, और कुछ चीजें मैं याद करना भी नहीं चाहूंगी शायद वहां से। लेकिन हमने देखा कि आपके डांस की बहुत तारीफ की गई है अंदर, और अभी तो आपके सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी आपका वेट कर रहे हैं, राइट? थैंक यू इसके लिए। और डांस तो मैं अच्छा करती हूँ, और वो मेरे वो बोलते हैं ना, खून खून के एक एक कतरे में बसा हुआ है, तो अच्छा लगता है। बिल किसे इतना ज़्यादा मिस कर रही है बिग बॉस के लिए? ओनली बिग बॉस की आवाज़ और हाउस, और किसी को भी नहीं। आपके तो काफ़ी फ्रेंड्स हैं, अर्चना, नाम के ही थे ना, अर्चना, अंकिता। नहीं ऐसा प्रियंका थी लास्ट टाइम में, हमारा अच्छा बॉन्ड हो गया था, पर लास्ट टाइम में हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे। हाँ ठीक है, साथ रह रहे थे, और लोगों ने तो नाम भी रख दिया था कि ग्रुप ग्रुप ग्रुप, तो हमारा कोई ग्रुप नहीं था, हम सब अपना अपना, सब अपने अपने हिसाब से खेलते थे। लेकिन हमेशा से गौरी हमने देखा है कि अगर एक बार फिर से अगर चांस मिलता है तो फिर क्या कुछ अलग आप करोगे बिग बॉस के घर में? जो पहली बात तो मैं अकेली जाऊंगी नहीं, सनी के साथ ही जाऊंगी इस बार, और फिर तो गोली पे गोली चलेगी और वार पे वार होगा। बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद क्या कुछ ऐसा लगा देखने के बाद कि कहीं ना कहीं ये चीज़ में कुछ गड़बड़ हो गई थी और मुझे प्लीज़ ये चीज़ करनी चाहिए थी वो जगह पर? हाँ शायद कहीं मैं नहीं बोली तो शायद बाहर उस चीज़ का मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत लगा है, पर ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने दोस्ती या फिर एक रिस्पेक्ट के चक्कर में मैंने कुछ चीज़ें बोली नहीं, और वो जो बोलते हैं ना कि तीन पत्ते ऐसे, वो ऐसे निकालने के चक्कर में मैं कुछ बोली नहीं। तो अगर अब फिर मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं बोल के दिखाती हूँ और उनके तीन पत्ते ऐसे करवाती हूँ। वेल आपने ग्रुप का भी जिक्र किया है, तो क्या लगता है वो कौन सी ऐसी ग्रुप है जो एक साइड ग्रुप बनती है और कहीं ना कहीं कुछ लोग अकेले पड़ जाते हैं? शिव है, वो यही काम करता है, वो भेड़ चाल चलता है। आप समझ सकते हो कि अगर आप ग्रुप में रहोगे तो आप ज़्यादा दिन रह सकते हो, उसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला खेल ही नहीं पाऊँगा। साथ ही अभी हाल ही में हमने देखा कि अर्चना के साथ भी बहुत कुछ हुआ गया, जो एक तरीके से गेम खेला गया था, क्या लगा आपको ये सही था? क्योंकि सलमान सर ने भी इसका जिक्र किया। हाँ मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अर्चना सही थी, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक बार 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 करोगे तो इंसान को गुस्सा आएगा, जैसे मुझे भी आया था, क्योंकि अर्चना ने मेरे साथ ही यही चीज़ की थी। साथ ही कहीं ना कहीं एक पर्सनल लाइफ भी ला दिया गया था, जहाँ पे दीदी का जिक्र कर रहे थे, क्या वो चीज़ें सही थी या वो गलत है? उसने साफ मना किया था, मेरे सामने मना किया था उसने कि शिव तू मेरे को इन चीज़ों से लेके तू मेरे को बोला कर, क्योंकि मैं तेरे को नहीं बोलती आजकल, क्योंकि वो भी आजकल इन चीज़ों पे नहीं बोलती। तो वो उसने बोला था कि मुझे मत बोला कर, पर फिर भी जान पूछ के शिव ने बोला अगर तू करेगी तो मैं तो करूँगा। तो उसने वो सीधा सीधा टारगेट था कि हाँ ये इस चीज़ से कमज़ोर होती है, तो उसी चीज़ को उसने उंगली उठाई। एक चीज पूछना चाहेंगे, बिग बॉस की दादी कौन है अगर पूछा जाए, जो सबसे बड़े जो गेम प्लेयर है वो कौन है अगर अब तक के? अगर दादी तो वैसे नाम दे रखा था अर्चना को, क्योंकि वो हर चीज में पंचायती करती है, उसको अच्छा लगता है ये सब चीजें करना, और उसको ये कि चार टिशू के लिए, सात टिशू के लिए, तो ये सब चीजें वो ही कर सकती है अर्चना। और रही बात गेम की, तो गेम शिव भी अच्छा खेल रहा है, प्रियंका भी अच्छा खेल रही है, और शालिन का भी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गेम खेल रही है। अंकित उनका मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है अभी। साथ ही अब्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब्दू क्यूट है, स्वीट है, और वो क्यूट ही बन के रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच में वो बहुत गुस्सा करता था और सबको अपना एटीट्यूड दिखा रहा था, तो वो उसका पसंद नहीं है सबको, तो ही अच्छा लगता है। क्या प्रियंका ने अब्दू के साथ भी गलत किया? ठीक है, वो कंकड़ी वाला ना जो बीनते थे टाइम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मौका सबको मिलना चाहिए, कैप्टन हर बार चेंज हो तभी तो मजा आएगा ना फिर गेम। बिग बॉस उनको समझा भी रहे थे बार बार क्या आप सही हो। हाँ नहीं अगर देखा जाए तो टास्क के लिए तो, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें उसने खुद ने चेंज कर दी थी, क्योंकि बिग बॉस ने भी ये बात बताई थी, तो फिर लास्ट में जो अब वो बोलते हैं ना कि किसका वो जिसने ज़्यादा लास्ट में साजिद सर और गौतम को भेजा गया था, तो लास्ट में जो ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा किया था वो गौतम था, तो उस अकॉर्डिंग से उसने वो सही फैसला लिया था। निमृत की गेम के रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे? निमृत का गेम कैसा है? बहुत खतरनाक लड़की है वो, दल बदलू वो बोलते हैं ना, इधर से उधर दल बदलू जो भी है। तो उसकी चीज़ें ये है कि वो एक जगह टिक के नहीं खेल सकती है, और उसको कोई ना कोई उसको भी सहारा चाहिए, क्योंकि उससे अकेले से खेला नहीं गया, क्योंकि उसको बीच में ओजी ओजी करके वो चीज़ें थी,
तो उसको पहले तो कैप्टन बनना था। जब अब्दू कैप्टन बना फिर उसको बनाने के लिए वो कैसे रेडी हो गई ये हमें नहीं पता चला, क्योंकि वो खुद कैप्टन बनना चाहती थी। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर मैं कैप्टन बनूंगी तो मेरा जो ओरिजिनल चीज़ है वो बाहर आएगी, पर ऐसा नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही हो, आप ऐसी ही चीज़ें हैं आप। आप उसको बहुत केयर करती थी। मैं उसको अच्छा दोस्त मानती थी और मैंने कर दिया। फोटो ले रहे थे दादा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने उसको अच्छा दोस्त माना, पर वो ही शायद दोस्ती के लायक नहीं था, ये मैं बोल सकती। लास्टली आज आप अपने सिटी में जा रही हो, कितने एक्साइटेड हो, क्या कुछ धमाल होने वाला है गौरी की एंट्री के बाद? मस्त, पहले तो जाके सोऊंगी फिर सबसे बात करूंगी। थैंक यू।